क्या हो जी, अपने पोरिया की कुछ फिकर करते? अरे क्या करने गए तेरे पोरिया का? अरे अपना पोरिया सर्दी के लायक हो गया, उसके लिए कुछ पोरी वोरी देखते। हाय हाय, क्या बातें करेंगी तू? तू तो ऐसे बातें कर रही जैसा पूरी रोड में पड़े लिए, और मैं उड़ा के लाने रहा तेरे पोरे के वास्ते। अरे दिमाग की आधी सजा दी तेरे पोरे के वास्ते। आस पास के 50 गांव में पूरी ढूंढाला मैंने, कहीं पूरी मिल नहीं रही। अरे तुमको पूरी नहीं मिलती तो मुंगला दादा को बोलो, लाएगा कैसे कोई रिश्ता। ए माँ, मुंगला दादा का नाम नहीं आ रहा यहाँ पर, पहले समझा दे रहा मैं तुमको। हाँ मुंगला दादा कर रहे तुम। मैं पहले बोल रहा, अगर वो लड़की बताएगा मैं शादी नहीं करूँगा। मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूँगा, मैं समझा दे रहा तुम दोनों को। हाँ अरे बेटा, अपने गांव में एक ही तो अगुआ है, अरे मुंगला दादा है। मुंगला जो रिश्ता लाएंगे ना वो मेरे लिए आराम है। तुम भूल गए क्या, उसके परदादा ने मेरे परदादा को गांव में जलील करके हकाल दिए थे मालूम है क्या? मैं उसके सामने मैं नाक नहीं रगड़ूंगा तो नहीं रगड़ूंगा। ऐसे नक्कड़ा घूमेगा बेटा? अरे काम टल्ला फिरता, चार नया काम करता नहीं, अन पोरों के साथ दिन भर इट्टी डांडू खेलते फिरता। खेलते फिर रहा अन उसकी शादी की फिक्र कर रहे, अन वो कांदने झगड़े करते फिरते रहता। देखो जी, तुम अपने गांव के मुखिया जी से मिलो, वो हर मसले का हल ढूंढ लेते हैं, इस मसले का भी हल ढूंढ लेंगे। तू कह रही ना इतना मेरे को, तेरे वास्ते वो भी कर लेता एक बार मैं। देख रहे भाई मुगलिया दादा, जानी नहीं इधर इट्टी मारने वाला है। पकिया इट्टी कितने दूर जाती देख। एक मिनट दादा। हाँ क्या हुआ? वो इट्टी का मुंह थोड़ा इधर कर। क्यों? अबे वो मुंगला दादा के आंगन में गई ना कभी इट्टी, हाँ बहुत बुरा हो जाएगा दादा। मुंगला दादा बैठे ले तो मैं क्या करूँ, मैं खेल रहा ना, मैं क्या पागल है क्या? मुंगला दादा बहुत भारी क्या? मैं डरता डूटता नहीं है किसी से, समझा क्या? जाने दादा क्या मुंगला दादा तेरे अगर एसटी गए ना भाई तो समझ लेना झगड़ा पक्का है दादा आ जाए। मैं झगड़े से डरता क्या? तुम क्या डरा जबरी? अरे उसकी औकात है क्या मेरे झगड़ा करेगा? टूटी देख कैसी जा रही, देख मुझे डरा रहे साले, ये देख। दादा जानी ना बहुत होशियारी कर रहा। देख रे लालिया, अगर जानी की स्टिक मेरे आंगन में गिरेगी ना तो जानी की इतनी बुरी बेइज्जती करूंगा कुत्ते जैसी, तो कुछ नहीं के बात नहीं। ये गल्ली महल्ले वाले है ना जानी को हर छीड़ करेंगे, इतनी बुरी बेइज्जती करके इसको हकालूंगा यहाँ से। जैसे मेरे कर दादा ने उसके कर दादा को हकाले थे ना कुत्ते जैसे, नहीं हकाला तो जग बोलना तूने मुझे। देख रहे भाई जानी दादा, वो मुंगला दादा ना इधर ही सारे करके बोल रहा कुछ ना कुछ बवाल करेगा, वो बहुत बुरा आदमी है वो, और अगर झगड़े हुए भाई तो मैं तो भाग जाऊंगा। भाग जाएगा? हाँ। अरे पागल है तुम दोनों? अरे मुंगला दादा इतना भारी क्या, गन्ना करे छिलते मालूम है, 10 बार थूक दूंगा मैं, तू क्या समझे मुझे? मैं उससे डरता क्या? डराने का तुम लोग मुझे उससे? अरे डरूंगा नहीं, अब इट्टी मारूंगा और उधर ही मारूंगा। हाँ उसके औकात है अपने सामने, ये देख देख। देखा वहीं गई इट्टी। क्या सर को क्या हाथ लगा रहा, चल मेरे साथ, डरता क्या मैं पागल, आज तो मारूंगा उसको मैं, इट्टी नहीं दिया तो। ए मुंगला इट्टी वापस दे। ए जानी मैंने देखो कहा था ना, मेरे आंगन में घुसना नहीं, नहीं तो साले तेरी तंगड़ी का तंगड़ी रख के चीर दूंगा। बोले चीर डालूंगा फाड़ डालूंगा, बकरी का बच्चा समझा गया? ए सुकेल बास की पुंगानी। अरे तू क्या समझ रहा, एक बात ख्याल रख, तेरे परदादा ने ना मेरे परदादा को गांव में से अकल दिया था ना, वैसे मैं भी तुझे अकल दूंगा, ये जानी का वादा है। हाँ इट्टी फेंक, इट्टी है, इट्टी दे इधर। ज्यादा काकट मत कर, मेरा सांस ले ले। अगर ये गांव का मैं मुखिया रहता ना पहले तुझे तड़ी पार कराता था मैं। अरे तू क्या तड़ी पार करेगा, ये जानी है ना, तुझे जिंदगी से मालूम है क्या, तड़ी पार कर दूंगा। अरे इट्टी ने समझा क्या? इट्टी हो ना, इट्टी हो ना। ओ मुखिया जी,
ओ मुखिया जी, मुखिया जी। अरे बड़ा बनाने के टाइम आगे आगे गर्दी कर रहा था। मेरे को बड़ा बनाओ, मैं सारे मसले हल करूंगा। मेरे को बड़ा बनाओ, मैं सारे मसले हल करूंगा। अंधे कान में क्या डाल के बैठा वो? ये किसी कर रहा? जरा कान में से निकाल उसके वो। ओ ओ मुखिया जी, अरे कब से आगे खड़े हम, कुछ बोल रहे तुमको? क्या रे भाई, बोलना क्या बात? अरे मुखिया जी, ये अपना भीकन है, ये इसके पूरे जानी की शादी को लेके बहुत परेशान है ये, इसके वास्ते तुम्हारे पास आए। तो गांव का अगवा है ना रे मुंगला दादा। अरे वो कब काम आएगा? उसको बोलो, कोई ना कोई पोरी ढूंढ के निकालेगा। अरे ये भी एक मसला है मुखिया जी। क्या मसला है? अरे वो अपना जानी है ना। हा? जानी और मुंगला दादा। हा? वो खानदानी दुश्मनी लेके अभी तक बटेल है। मुंगला दादा जाने के काम में हाथी नहीं डाल रहा। अरे मुखिया जी, तुम इतने बड़े बड़े मसले हल करते ना हो। हैं? अरे मेरा जरा सी मसला है मेरे पोरे का, उतना हल कर दो। अरे बहुत मेहरबानी हो जाएगी तुम्हारी। हाँ तू एक काम कर, कल तेरे पोरे जॉनी को बुला के ला, मैं संदेशा दे के मुंगला दादा को बुलाता। क्या है बैठा के कुछ ना कुछ मसले का हल निकालेंगे। अब तूने भाई ला ले, देखते क्या करने में आता है। जाते इनके भी काम देखे हमने, इनके पोरों के भी शादी के काम देखो। क्या रे जानी? क्या क्या रे मंगला, ये क्या फाफड़ चाले कर रहे तुम दोनों? अंग प्यारा ना मेरे गुच्चू पेट, गुच्चू पेट। अरे वो कौड़ मेरे अंग के आ रहा, मेरी हालत देखो जरा। तू इसके वास्ते कोई पोरी वोरी क्यों नहीं ढूंढ रहा? हाँ, कोई रिश्ता रिश्ता क्यों नहीं ला रहा इसके वास्ते? अरे मुखिया जी, किने बोला ही नहीं मेरे को, तो मैं क्यों ढूंढू उसके लिए रिश्ता? क्या रे भिकन, तूने बोला नहीं मुंगला दादा को? यार मेरे पोरे के वास्ते कोई अच्छी सी पोरी देख। अरे मुखिया जी, उससे हार गया हूँ मैं। अरे इन्हें मेरे को मना करा, क्या मुंगले को मत बोलना मेरे रास्ते पोरी देखने का, पूछो तुम। अरे जब तुम गाँव के अगवा को बड़ा नहीं बनाएंगे, उसको बोलेंगे नहीं, तो वो काय को ढूंढेगा यार? और क्या रे जानी, तेरे को बोलने होना मोंगला दादा मेरे वास्ते कोई अच्छी पोरी दे। क्या दादा, एक लड़की के लिए मालूम है क्या, इसके सामने नाक नहीं रगड़ूंगा, ये मेरा वादा रहा। अरे तू मेरे सामने अगर नाक नहीं रगड़ेगा ना, कुआरा और झटुआ मरेगा। अब मैं भी देखता गांव में तेरे लिए कोई रिश्ता लगाता, नहीं तेरा रिश्ता भंडाया तो मेरा नाम भी मोंगला दादा नहीं। तूने ऐसा करा ना, तेरा नडा दबा के मार डालूंगा मैं। बस आवाज बंद। पंचों के सामने चिल्ला रहे, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अगर ये फपट चाले बंद नहीं करे ना, तो पूरे गांव में तुम दोनों का हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। अरे बेटा जानी, मुखिया जी है ना, अरे मसले का हल निकालने के वास्ते बैठे यहाँ पर, तू समझा कर जरा, कुछ चुप है क्या? मेरा मुंह छोड़ लूं मैं? अरे मुखिया जी, एक काम करो तुम, ये झगड़े का कुछ ना कुछ हल निकालो। ये झगड़े का हल निकल जाएगा ना, तो मेरे पोरे की शादी का रास्ता खुल जाएगा। इस बात पर कुछ सोचते हैं। लगान पिक्चर में किसानों की लगान के मसले का हल क्रिकेट के जरिए से निकाला था, तो हम लोग भी इन दोनों के बीच में कोई खेल के जरिए मसले का हल निकाल लेते हैं। अरे पर अपने गांव में मिट्टी डांडू के सिवा बोरों को आते हैं क्या खेलते? तो ठीक है, ये मसले का हल गिल्ली डंडे से निकाल देते, ये दोनों को इट्टी डांडू खिलाते ना, जिसकी इट्टी सबसे दूर जाएंगी समझ लो जीत का। तो इस खेल के मुकाबले में अगर जॉनी की गिल्ली ज्यादा दूर तक गई तो जॉनी जीतेगा, और मुंगला दादा को उसके लिए लड़की ढूंढना पड़ेगी। ठीक है, और अगर मुंगला दादा की गिल्ली ज्यादा दूर गई तो मुंगला जीतेगा और जॉनी के लिए लड़की नहीं ढूंढने का। मंजूर है मुंगला दादा? हाँ मुखिया जी, मुझे मंजूर है। तू क्या बोलता है जॉनी? मंजूर है मुखिया दादा। तो ठीक है, ये मुकाबला कल होगा।